Why does my vaginal itch keep coming back? ये आपके साथ कभी हुआ है कि आपने एक इरिटेटिंग, एम्बैरेसिंग, डिस्टर्बिंग वजाइनल इचिंग के लिए हाल ही में डॉक्टर के पास गए थे, ट्रीटमेंट भी लिए थे और ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद वापस आपको यही सेम इरिटेटिंग सिम्टम हो रहा है, सेम इचिंग सिम्टम्स हो रहे हैं? You either go back to the same doctor or sometimes you also change the doctor thinking that ये जो पहला treatment था वो adequate नहीं था या पहला जो treatment दिया गया है वो सही नहीं था. Today I, Dr. Sudesh Nare, would talk about the causes and the treatments for recurrent vaginal infection, about the vaginal itching which keeps coming back. वेजाइनल इचिंग के बारे में मैंने डिटेल्स में बहुत सारा कुछ बताया इन माय वीडियो ऑन VH. प्लीज रेफर टू दैट वीडियो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक मोस्टली ऑन फंगल इन्फेक्शंस, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शंस, व्हिच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रिपीटेड इचिंग इन द वेजाइना. फंगल इन्फेक्शंस इन द वेजाइना इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अ disturbing vaginal itching coming in spells, a lot of curdy discharge and a red, sore, burning vagina. Now, vagina mein itna fungal infection kyun hota hai? Kahan se aata hai ye virus? Well, ye bahar se nahi aata hai, ye andar se hi aata hai. The vagina has a number of fungi and a bacteria which keeps the area healthy, which remains balanced to keep the area healthy. Now, कोई भी रीज़न के वजह से अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, अगर ये बैलेंस डिस्ट्रप्ट हो जाता है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है. नाउ लेट्स लिस्ट आउट द कॉजेज फॉर दिस बैलेंस डिस्ट्रप्शन और द डिस्टर्बेंस. वन, एंटीबायोटिक यूज. टू, प्रेगनेंसी. थ्री, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. फोर्थ, लोअर इम्यूनिटी. फाइव, certain medications like oral contraceptive pills. 6. Staying wet for a long period of time. ये Indian women में बहुत common है क्योंकि vagina को आप बार बार पानी से धोते रहते हो. 7th, vaginal douching. Vaginal douching with a jet spray, which actually removes the normal healthy protective bacteria from the vagina. 8. Hot baths or hot tub baths. 9. Use of perfumed sprays or bubble baths or very harsh body soaps or even excessive use of commercially available feminine products. 10th, use of tight undergarments or even tight clothing. So, iska solutions kya hai? 1. Do not over clean yourself. Let your vagina clean itself. Aap usko zyada pani se mat clean kare. 2. Keep your undergarments dry or do not keep wearing wet undergarments. अगर पानी इस्तेमाल भी करते हो वजाइना क्लीन के लिए तो आप उसको एक सॉफ्ट टॉवल या सॉफ्ट टिश्यू से डैप करके उसको ड्राई करें. 3. Keep your immunity levels up with a healthy diet, exercise and a healthy lifestyle. 4. अगर आपका डायबिटीज हो या आपका ब्लड शुगर हाई हो तो प्लीज आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड शुगर को टाइटली लेवल पे रखें. प्लीज गेट योरसेल्फ डायग्नोस प्रॉपरली. जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड हैड दिस प्रॉब्लम एंड सर्टेन मेडिकेशंस वर्क्ड ऑन हर, इट डज नॉट मीन दैट इट विल वर्क ऑन यू टू. ऑल्सो आप अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्यूब या ऑइंटमेंट यूज करते हो और उससे आप रिलीफ फील कर सकते हो तो प्लीज आप उससे पूछें कि यू वेदर यू कैन यूज इट अगेन और नॉट. सर्टेन मेडिकेशंस स्पेशली स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स आर मेंट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. ओवर यूज कैन लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस. 6. प्लीज ड्राई योर अंडरगार्मेंट्स इन ब्राइट सनलाइट, प्रेफरेबली इन अ ब्राइट आफ्टरनून सन. पैंटी सुखाना या ब्रा सुखाना कोई शर्म की बात नहीं है. घर के एक कोने में, एक डार्क हिडन एरिया में इसको सुखाइए मत. इसको आप पूरा सनलाइट दे दे, अदरवाइज फंगस स्टिकिंग ऑन योर पैंटीज विल नॉट गेट किल्ड एंड इट विल गिव यू ट्रबल अगेन. द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फंगल वजाइनल इन्फेक्शंस कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इज आइदर
incorrect self-diagnosis or an inadequate treatment. अगर साल में 3 से 4 बार से ज्यादा आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहे हो तो प्लीज आपके गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले और strictly stick to whatever she says. Sometimes she may also advise to take the vaginal secretions or the vaginal discharge for testing. The fungal infection, fungal vaginal infection, is not a sexually transmitted infection, but it can get transmitted from your partner through oral sex, through penetrative sex, because of the physical contact. So make sure your partner gets adequately treated along with you. That's all for today. Be informed and be safe. Please do not hesitate to write to me at drsudeshnacares@gmail.com. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.